बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम। जी अच्छा फरमाइए। माशाल्लाह, हाँ बोलते रहे, आवाज आ रही है। जी फरमाए मुजीद साहब। हेलो, लगता है शायद इनकी डिस्कनेक्ट होगा। वालेकुम सलाम। जी फरमा जी फरमाइए। आवाज बहुत हल्की क्यों आ रही है? वालेकुम सलाम, फरमाइए। अच्छा, इनकी वालदा को ब्लड कैंसर है आखिरी स्टेज का। हाँ, ये आपके दोस्त की वालदा को ब्लड कैंसर है आखिरी स्टेज का, तो उसके लिए अमल नोट कर लें। एक अमल तो ये, या बदील आजाए भी बिशिफा या बदियो, या बदील आजाए भी बिशिफा या बदियो, ये 12,000 मरतबा ईशा के बाद रोज़ाना पढ़ना है। 12 दिन ये अमल करना है। कुछ लोग घर के जमा हो जाएँ या किसी मदरसे के तलबा को इकट्ठा कर लें, 12,000 दफ़ा पढ़ें, और हर शख्स अव्वल आखिर 12 दफ़ा दुरूशी पढ़ ले, और पढ़ के पानी सामने रखे, पानी पे दम कर लें, वो पानी जो है वो मरीजों को पिलाएं। ये 12 दिन करने का अमल है। इंशाल्लाह 12 दिन के अंदर ही नतीजा जो बदल जाएगा और अल्लाह उनको शिफा कुली दे देंगे। अगर 12,000 दफ़ा करना मुश्किल हो तो 1200 दफ़ा कोई एक आदमी कर ले। या बदील आजाए भी बिशिफा या बदियो, अव्वल आखिर 12 दफ़ा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो है वो जो मरीजा है उसके लिए दुआ कर लें, और पानी दम करके उनको दे दिया करें, वो पानी पी लिया करें। और ये अमल 36 डेज करना है, 36 दिन करना है, अगर 1200 करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उनको शिफा होगी। और वैसे उनको हर चीज़ जो भी खाएं पिएं, अगर वो खुद कर सकती हैं तो एक मरतबा सूरह फातिहा दम कर लिया करें, वरना आप लोग जो एक मरतबा सूरह फातिहा उसकी दवाओं गिजाओं पर दम कर दिया करें रोज़ाना, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनको शिफा कुलिया अता फरमा देंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत।